हौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ्स साइंस ग्रुप का, जिसका चैप्टर नंबर वन कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसी 1.3। तो मैं आपको पता है, जैसे कि आपको बताया करता हूँ कि ये मेरा गैस है, ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इस तरह पूछेगा। तो वह मैं ही हूँ जो यूट्यूब पर आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि ये चीज़ इसने इस तरह पूछी थी और पूछेगा भी, और साथ साथ मैं गैस भी बताता हूँ, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन लाजमी प्रेस करें, और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमारे लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएँ, ठीक है? और यहाँ पर इंशाल्लाह जो है ना नाइन्थ साइंस आर्ट्स, टेंथ साइंस आर्ट्स सब का सिलेबस कवर किया जाएगा। पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उसके रेलिवेंट जितने भी आपको इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट्स हैं वो मैं सारे बताऊंगा, और पेपर किस तरह आपके पास आता है और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं 1.3 का। उसमें पूछा है कि कौन सा मैट्रिक्स, आपस में दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, कौन सा एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है और कब हो सकता है? एक बात याद रखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐड और माइनस करने के लिए दो मैट्रिक्स को, उनका ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो, जमी खसियत के लिए या आपके पास फ़र्क के लिए, तफरीक के लिए, ठीक है ना? तफरीक की जो खसियत है वो वाली, तो ये ज़रूरी है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलें पहले बात करते हैं ए की। तो इसका जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर मरबी का है, मतलब स्केयर मैट्रिक्स है ये, तो 2x2 का है। 2x2 वाला कौन सा मैट्रिक्स है? ये वाला देख लें, ये 2x2 का है, तो इसका मतलब है ए, देखो ज़रा ध्यान से, ए और ई, ए एंड ई, ठीक है ना? आपस में क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। ए और ई जमी खसियत रखते हैं, ये आपने लिखना है, ए और ई आपस में जमी खसियत रखते हैं। अब बी की अगर बात करें, 2 rows R1 R2, तो ये C1, ठीक है? तो ये देखो ज़रा, R1 R2, तो ये जो है ना, ये जमा हो गए, 3 हो जाएगा ना, एक ही नंबर बनेगा, तो ये होगा C1। तो इसका मतलब है कि B और D जो है ना, आपस में जमी खसियत रखते हैं, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। उसके बाद देखो, 2 3 1 2, तो 3x2, तो ये देखो ज़रा, 3x2, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि C और जो F हैं वो आपस में जमी खसियत रखते हैं, ये आपने लिखना है, C और F आपस में जमी खसियत रखते हैं। आगे आपने बताना है एडिटिव इन्वर्स, मतलब कि जमी मकूस। तो याद रखिएगा कि जमी मकूस, एडिटिव इन्वर्स इंग्लिश में, एडिटिव इन्वर्स उर्दू में जमी मकूस, ये कैसे निकालते हैं? देखो, अगर मेरे पास 1 है तो उसका मैंने एडिटिव इन्वर्स निकालना है या जमी मकूस निकालना है, तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए मुझे 1 का क्या करना पड़ेगा? -1। 100 है तो -100, अगर 2 है तो -2, अगर -2 है तो +2, समझा की बात की? तो यहाँ पे तो प्लस ए है, ए वाला लिखा होगा यहाँ पे, तो आप लिख रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए, -7 लगा देना है, बाहर माइनस लगा देनी है, -1, ये वैसे अभी एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को आपने टच नहीं करना, इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये देखो -1 प्लस हो जाएगा, 0 इज़ द न्यूट्रल नंबर, -1 ये -2 हो जाएगा, ये इसका क्या आ गया? एडिटिव इन्वर्स, मतलब कि इसका आ गया जमी मकूस। तो उर्दू मीडियम आपने क्या लिखना है यहाँ पर? आपने लिखना है कालब ए का जमी मकूस, ध्यान से, ठीक है ना? उसके बाद मेरे पास एफ है, कालब मैट्रिक्स एफ है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा इसका? एडिटिव, ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ, माइनस एफ, मतलब आपने दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यह याद रखना कालबों में मैट्रिक्स में, ठीक है ना? तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -√3, तो -1, ये माइनस पहले लगा हुआ है, -1 और -√2। अब इसका जरा देखो, ज़रा इसका मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, माइनस का ई, तो देखो इसके साथ माइनस लग जाएगा, -1, ये 0 न्यूट्रल नंबर है, ये भी 0 न्यूट्रल, और ये -1, समय लगी बात की? आई होप आपको एडिटिव इन्वर्स की समय लगी होगी। आपने करना क्या, मैं सिंपल देसी तरीके के साथ बता देता हूँ। जब भी आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में वो कहता है
कि आप किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी कालब का जमी मकूस निकालो, तो देन आपने क्या करना है, आपने कालब की जो अरकान एंट्रीज है ना, अगर माइनस हैं तो प्लस कर देनी है, अगर प्लस हैं तो माइनस कर देनी है। सिंपल सा देसी तरीका है ये वाला, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, क्योंकि मरूजी में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ये बड़े बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स देख लेते हैं, इसके 9 पार्ट्स हैं 3C तक। तो मैं अगर सिंपल सी बात कहूँ तो इसमें से एक पक्का बोर्ड में क्वेश्चन पार्ट आता ही आता है, ये आप गैस ले लें, ठीक है। तो 9 पार्ट्स हैं टोटल, 9 पार्ट्स में से एक पार्ट आपको पक्का आना ही आना है पेपर में, ये आप लिख लें इसके ऊपर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पहला पार्ट ये है, ए प्लस ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो आप क्या करो ए की वैल्यू देख लो, क्या लिखी हुई है ए की वैल्यू, -1, क्या लिखी है -1, 2 और ये 1, और ये प्लस वैसे आ गया 1 1 1 1, ठीक है ना, समझा की बात की। तो पहले में पहली एंट्री ऐड, दूसरे में दूसरी एंट्री ऐड, तीसरे में तीसरी एंट्री ऐड, और चौथे में चौथी एंट्री ऐड, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और चौथे में चौथा, ठीक है ना। ऐसे आपने करना है, ये दोनों कट जाएंगे, तो जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा ना, वो बनेगा 0 3 3 और 2 3 3 और ये 2, ये आपका फाइनल आंसर इसका बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास है बी, दूसरा पार्ट बी के लिए, बी प्लस आगे मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, -2 और ये 3। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 था ना, उसकी रिवीजन देख लो, बी किस में ऐड होगा, बी की तरह का अगर होगा, देखो ये अब बी की जो वैल्यू होगी ऐसी होगी, देखना 2x1 वाला मैट्रिक्स होगा, कालब होगा, देखना ज़रा, ये देखो समझ लग रही बात की, ओके हो गया। तो उस तरह का पूरा पूरा मरतबा ऑर्डर सेम होगा, तो फिर ऐड होते, नहीं तो नहीं होते। लगाओ ज़रा बी की वैल्यू, 1 -1 +-2 3, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा +-2 और ये माइनस का मान वैसे आ गया, ये +3, ठीक है ना, ये वैसे आ गया -2, ये बड़े के साथ माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 3 -1 2, ये इसका आंसर आ गया, ओके हो गया ना। उसके बाद मेरे पास है सी, मतलब के सी के लिए तीसरा पार्ट, सी प्लस -2 1 3। तो देखो सी की वैल्यू, देखो सी की वैल्यू इस तरह की होगी, जिस तरह का ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ देख लो, क्या वैल्यू है, 1 -1 और ये 2, प्लस ये वैसे ही आ गया, ये प्लस वैसे ही साथ आगे लिख देना है, -2 1 और ये 3, ठीक है ना। तो आएगा 1 -2, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो 1 -2 -1 +1 2 +3, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, 1 -2, ये 0, ये 5, ये लो ये भी हो गया, ओके हो गया, समझ लग रही है ना बात की। और डी वाला आपने खुद करना है, डी वाला सेल्फ है, ठीक है ना। अब मतलब चौथा पार्ट जो है ना वो सेल्फ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्फ है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, देखो डी वाला पार्ट जो होगा ना, डी वाला ये है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2x3, तो उसका भी देख लो 2x3 है, तो ध्यान से ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी अगर हम आगे बात करें तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास, 2 वैसे लिख देना है, ए की वैल्यू लिखी है, अब क्या करो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, देखो ऐसे 2 × -1, 2 × 2 और 2 × 2 और 2 × 1, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा -2 × -2, 2×2 = 4, ठीक है, 4 और ये 2 × 2, समझ लगी ना बात की, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। उसके बाद मेरे पास है, अच्छा जी उसके बाद आपने जो है ना 8 नंबर आपने सेल्फ करना है, ठीक है, 3 के साथ डी को मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट वाला जो है वो भी आपने सेल्फ करना है, ये भी इजी है, ठीक है ना। ये मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ इनकी, 3D वाला आपने करना है और 3C वाला आपने करना है, और मैं करने जा रहा हूँ 6 नंबर,
मतलब माइनस वन को मल्टीप्लाई करना आपने बी के साथ, ठीक है ना। तो माइनस वन और बी की वैल्यू लगा लो, बी की वैल्यू किधर है भाई, ये वन और ये माइनस वन। तो क्या करोगे देखो ज़रा, ये माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, तो ये क्या बनेगा देखो ज़रा, आपके पास बनेगा ये माइनस वन और ये माइनस वन प्लस एक एकम एक, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये बी का आंसर आ गया। उसके बाद मेरे पास है माइनस टू सी का, माइनस टू सी का नंबर इसका लिख लेते हैं सेवन, माइनस टू सी, ठीक है ना, माइनस टू सी ब्रैकेट के अंदर है, माइनस टू सी, सी की वैल्यू देख लेते हैं कौन सी है, सी की वैल्यू वन माइनस वन और ये टू। ये पेपर में अनलिमिटेड लातदार टाइम आया हुआ है, यही याद रखना। तो माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के समेत ही कर लो ऐसे, माइनस टू इंटू वन, फिर आगे माइनस टू इंटू माइनस वन, फिर आगे माइनस टू इंटू टू, ओके हो गया। ये क्या आएगा, माइनस का टू, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो, वो आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, कितना आएगा दो दो चार, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ लगी बात की, आई होप आपको समझ लग रही होगी, ध्यान से आपने समझते जाना है और ध्यान से करते जाना है, ठीक है ना। इस ये मेरा तरीका का आ रहा है, सिंपल सा तरीका है, देखिए मुझे भी नहीं मतलब टेंशन आ रही और ना ही आपको टेंशन आनी चाहिए किसी किस्म की भी। ये मैं अपने रूम के अंदर मैंने वाइट बोर्ड लगाया हुआ है, आराम से मैं अपना काम किया जा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर यू। और ध्यान से तैयारी करनी है और ध्यान से अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, फिर फाइव सिक्स सेवन और एट, इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से आपने स्टडी करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिसमें आप प्लस और माइनस को यूज़ करके ना जमी और तफरीकी अमल को यूज़ करके कालब को आप शॉर्ट करोगे, मुख्तसर करोगे, ठीक है ना, एक नया कालब हासिल करोगे, गेन करोगे, ठीक है ना। समझ लगी बात की, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मेरे पास पार्ट जो है ना बच्चे, पार्ट नंबर टू मैं करता हूं, पार्ट नंबर वन जो है ना वो इजी है, ठीक है ना। पार्ट नंबर टू जो है ना उसमें माइनस भी आ गया और प्लस भी, दोनों एट अ टाइम इकट्ठी चीज़ें आ गई हैं। ब्रैकेट है मेरे पास वन ज़ीरो ज़ीरो और ये वन है, ठीक है ना, उसके बाद ये प्लस और ये ज़ीरो और टू है और ये थ्री और ये बच्चे ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज और देन आगे नया मैट्रिक्स वन एंड वन एंड वन एंड वन 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 एंड ज़ीरो, ठीक है ना, वन वन एंड ज़ीरो। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को जो है ना वो आपने हैंडल करना है, ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को। तो बच्चे ध्यान से ज़रा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो फाइव है ना वो भी इसके ऊपर ही है, अगर फोर की समय लगेगी ना तो फाइव भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप छोटे हैं, नाइन्थ क्लास के बच्चे को इतनी नहीं होती कि वो कंसेप्ट को जो ना अच्छी तरह समझ सके, लेकिन मैंने अच्छे से समझाना है, ध्यान से, बड़ा भाई हूँ आपका तो समझना पड़ेगा। तो देन करना क्या है, पहले में पहला ऐड कर देना है, क्योंकि ये एडिशन का साइन पड़ा हुआ है, और दूसरे में दूसरा ज़ीरो प्लस टू, और तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, तो ज़ीरो प्लस थ्री, फिर उसके बाद आएगा वन प्लस ज़ीरो, और ये बच्चे वैसे ही ये भी साथ वन 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 ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा। और देन अगर हम देखें तो आपके पास आएगा वन टू थ्री वन, ठीक है ना, तो ये माइनस वन 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 एंड ज़ीरो, ये बच्चे वैसे ही लिख देना है। अब दरमियान में कौन सा रह गया है माइनस, तो इसका मतलब है अब पहले में से पहला माइनस होगा, ठीक है, दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा माइनस, देन जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आएगा आपके पास वन माइनस वन ज़ीरो, ठीक है, और टू माइनस वन वन, और टू थ्री माइनस वन टू, और बच्चे वन माइनस ज़ीरो वन, ठीक है ना, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। यू अंडरस्टैंड, समय लगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लकी लाइन लगानी है, लकीर लगानी है, ठीक है, दरमियान में। उसके बाद मैं करने लगा हूँ पार्ट नंबर ना थ्री लगाने लगा हूँ, ठीक है ना, ये पार्ट नंबर थ्री मैं आपके लिए लिखने लगा हूँ और इसे हम करते हैं सॉल्व, ठीक है जी। वन आपने खुद करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर, टू थ्री वन, ये आपका पहला मैट्रिक्स, ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स हैं वो लिखता हूँ, वन ज़ीरो टू, ठीक है, माइनस
ब्रैकेट क्लॉज, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसे आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब करना क्या है, अंदर वाले को आपने माइनस करना है, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो टू माइनस वन माइनस टू, ज़ीरो माइनस टू और टू माइनस टू, ये 22 नहीं है, ये 2 है दरम्यान में, ठीक है ना। और देन आपने क्या करना, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, तो ये एज अ चीज़ आपने लिख देना है, ठीक है। वन माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू माइनस टू, कैलकुलेटर पे करना, गलती नहीं होगी। तो ये बचे कैंसिल, तो ये ज़ीरो आ गया, दरमियान में अब क्या रह गया, प्लस का साइन। तो बचे आप क्या करोगे, टू प्लस माइनस माइनस वन, थ्री, देखो ना थ्री, और प्लस माइनस माइनस टू, वन प्लस ज़ीरो। तो बचे ये क्या बनेगा, टू माइनस वन वन, फिर वन, और ये फिर वन, कैसा आंसर आया, समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने इसे क्या करना है, इसे आपने फॉलो करना है और ध्यान से करना है। अब देखो ज़रा आगे क्या करना है, आगे मैं बताता हूँ आपको करने के लिए काम, ठीक है। हाँ जी, आगे आप करोगे देन पार्ट नंबर जो है ना, पहला भी मैंने मतलब आपके लिए छोड़ दिया, दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा भी करवा दिया, अब आगे देखते हैं ज़रा मैंने आपके लिए क्या छोड़ना है। आपके लिए जो छोड़ना होता है ना, उसका ज़्यादा फिक्र होता है मुझे, जो मैंने खुद करवाना था मुझे पता होता मैंने करवा ही देना है, तो इसलिए ज़रा केयरफुली, ठीक है ना जी। पार्ट नंबर जो है ना 4 आपने करना है, फिफ्थ जो है ना बच्चे वो मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है ना। पार्ट नंबर फिफ्थ जो है ना 5 बच्चे वो मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। उसके बाद आपके पास है 2 3 1, फिर है 3 1 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 1 0 माइनस 2, माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो, ज़ीरो टू माइनस वन, दरमियान साइन किसका है, प्लस का, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। करो ज़रा देखो, 1 प्लस 1, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में प्लस माइनस माइनस टू, ये ज़रा ध्यान से, ये बेसिक चीज़ है, प्लस माइनस माइनस टू। तो देन टू, देखो फिर प्लस माइनस माइनस टू, 3 माइनस 1, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 प्लस 2, 2 माइनस 1। आई होप समझ लगी होगी, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, लेकिन जो माइनस में पड़े हुए हैं प्लस माइनस माइनस करके फिर करना है। ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 0, ये 2, ये 1, और देन ये 3, और ये 5, और देन ये बचे 1। समझ लगी बात की, तो ये ज़रा ध्यान से आपने करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, पार्ट नंबर मैं बता देता हूँ, लास्ट पार्ट भी मैं ही करवाता हूँ, वो भी आपने करना है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट है, उसे देख लेते हैं ज़रा कि वो क्या बुला है, वो क्या मैं कहता है, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा। मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं लगी, तो वो ज़रा ध्यान से, फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। पार्ट नंबर जो है ना आपका 6 है, ठीक है ना। उसमें बच्चे आपने करना है 1 2 0 1, दरमियान में प्लस, बड़ी ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज करके, ये लो जी 2 1 1 0, दरमियान में प्लस, सारे 1 1 ही है, ओके हो गया ना। तो ये बच्चे एज ए चीज छोड़ देना आपने, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसे सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 1,
तो बच्चे ये कितना बनेगा आपके पास, ये एज इट इज़ वैसे ही साथ आ जाएगा, और देन ये बनेगा आपके पास, देखो ध्यान से एक एक चीज़ को फोकस करना आपने, ये आएगा थ्री, ये आएगा टू, ये आएगा टू और ये आएगा वन, दरमियान में सिंबल किसका है, प्लस का, सिंबल किसका, प्लस का, प्लस का, सारे प्लस के ही हैं। तो पहले में पहला प्लस करना है, वन प्लस थ्री, टू प्लस टू एंड देन ज़ीरो प्लस टू एंड देन वन प्लस वन, तो बच्चे ये बनेगा आपके पास फोर, फोर ये टू और ये टू, ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना, कौन सा वाला, फोर, ठीक है ना वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करें तो ये सारे कवानीन हैं, ये कौन से हैं, ये कवानीन है कि अगर टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक चीज़ आगे पीछे करके उसे प्लस करते हैं तो आया कि उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो ये वो, ठीक है ना। तो ये ज़रा देख लेते हैं, सबसे पहले मैं करता हूँ पार्ट नंबर टू, ठीक है ना, पार्ट नंबर वन आपने खुद ही कर लेना है। पार्ट नंबर टू की अगर बात करें तो आया जी ए प्लस बी, बी प्लस ए, समझ लगी बात की, ए प्लस बी, बी प्लस ए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, कौन सी लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ए की वैल्यू है वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, दरमियान में क्या प्लस वो लगा देना है, फिर आपने बी की वैल्यू लगा देनी यहाँ पे, वन माइनस वन, वन टू माइनस टू, टू थ्री वन थ्री, तो देन दरमियान में सिंबल किसका है, प्लस का, पहली में पहली प्लस, वन प्लस वन, टू प्लस माइनस माइनस वन, ठीक है, थ्री प्लस वन, आगे टू प्लस टू, थ्री माइनस टू, वन प्लस टू एंड देन बच्चे आगे देखो ज़रा, मेरे पास आएगा वन प्लस थ्री और माइनस वन, प्लस वन और ज़ीरो प्लस थ्री, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, इस तरह मैंने एडअप किए हैं, ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो देन मेरे पास जो आंसर बनेगा ना वो मैं अब लिखने लगा हूँ, टू वन फोर, फोर वन थ्री फोर, थ्री फोर ज़ीरो थ्री, इस बच्चे इसका नाम आपने कह देना है वन, क्या नाम कहना है, वन, इस रिज़ल्ट का नाम। इसी तरह ही आपने जो दूसरा रिज़ल्ट है राइट हैंड साइड वाला, वो आपने निकाल देना है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए करोगे तो क्या आएगा, बी प्लस ए, बी प्लस ए, समझ लगी ना बात की। तो अब उल्ट पुलट कर देते हैं, ये वैल्यू पहले आ जाएगी वो बाद में चली जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी बी की वैल्यू कौन सी थी, बच्चे इधर से देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वन माइनस वन, वन माइनस वन वन, फिर टू माइनस टू और ये टू, ठीक है ना, समझ लगी बात की, और देन ये थ्री, ये वन, ये थ्री, प्लस ये बी की वैल्यू आ गई। अब आप ए की लिखोगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री और वन, फिर ज़ीरो, फिर वन और ये माइनस वन, तो देन दरमियान में सिंबल किसका है, प्लस का, तो आप क्या करोगे, वन प्लस वन, माइनस वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, टू प्लस टू, माइनस टू प्लस थ्री, टू प्लस वन और थ्री प्लस वन, वन माइनस वन, प्लस माइनस माइनस और थ्री प्लस ज़ीरो। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखने लगा हूँ, ये हो गया ज़ीरो, ये टू, ये देखो टू माइनस वन, वन फोर, फिर फोर, फिर आएगा वन, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा फोर, फिर आएगा ज़ीरो, फिर आएगा थ्री, इसका नाम आपने कह देना है टू। दोनों का नाम कंपेयर करो हज़रा वाला, दोनों के हिसाब से देखो, फोर थ्री थ्री, वन वन ज़ीरो, टू फोर फोर, गुड हो गया। तो यहाँ पे लिखना आपने फ्रॉम
वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखोगे? एक और दो की रूह से, एक और दो की रूह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ लगी ना बात की? जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो पहले तीन पार्ट जो ना वो सेम है, ठीक है ना, वो ध्यान से आपने करने हैं। अब पार्ट नंबर फोर की हम बात करते हैं, उसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू टू ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं इसकी, जी ए प्लस बी प्लस ए, समझ लग रही है ना बात की? तो देन देखने वाली बात है यहाँ पे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू लगानी है ए की। किसकी वैल्यू लगानी है? ए की, ठीक है ना। ए की वैल्यू लगाओ ज़रा, ए की वैल्यू है वन टू वन टू थ्री माइनस वन थ्री वन ज़ीरो, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई ए की। दरमियान में लगाएंगे प्लस, ये ब्रैकेट लगा दें, फिर आपने वैल्यू लगानी है बी की, वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू, फिर वैल्यू लगाएंगे थ्री वन थ्री। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ दरमियान से, ठीक है। दरमियान में सिंबल किसका है? प्लस का। फिर एक ही वैल्यू लगाओ ज़रा, एक वैल्यू है वन टू थ्री टू थ्री वन वन माइनस वन और ये ज़ीरो। समझ लगी ना बात की? ये वैल्यू मैंने सारी लगाई हैं। अब आपने करना क्या है, ये आपने एज इट इज़ लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फोर किया था ना, ये आपने इसमें देखो इसमें भी फोर की तरह एज इट इज़ ही लिखते हैं ना ये वाला भी। तो करना सॉल्व किसे है? ब्रैकेट वाले को। वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू, क्यों कर रहा हूँ? प्लस की वजह से। वन प्लस थ्री टू प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री टू प्लस वन थ्री प्लस वन वन माइनस वन थ्री प्लस ज़ीरो। आपने ऐसे करना है, ओके हो गया? समझ लग रही है ना बात की? तो इस तरह करके बाद में आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे करते हैं, ये पहला मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया, वन टू और थ्री वाला, ठीक है ना, टू थ्री और वन और वन माइनस वन और ये ज़ीरो। दरमियान में बच्चे प्लस आ गया, तो ये ज़रा इसका आंसर लिखो ज़रा, वन प्लस वन टू और ये टू माइनस वन वन और ये थ्री प्लस वन फोर, ये हो गया फोर प्लस फोर टू प्लस टू फोर, ये वाला, ठीक है ना। और ये कितना आएगा? ये भी वन, ये कितना आ गया थ्री, ये कितना आ गया फोर, और ये दोनों कट गए फोर और ये ज़ीरो और ये आ गया थ्री, ओके हो गया? समझ लगी ना बात की? क्लियर है? उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, दरमियान में सिंबल चेक करो कौन सा है। प्लस का सिंबल है वन प्लस टू वन प्लस टू टू प्लस वन थ्री प्लस फोर, बाद में आपने क्या करना है टू प्लस फोर थ्री प्लस वन और वन प्लस थ्री वन प्लस फोर माइनस वन प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस थ्री, इस तरह आपने करना है, ओके। अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, क्या आएगा? थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन और ये थ्री, ये इसका फाइनल आंसर आया है, सबको प्लस करके। समझ लगी बात की? ज़रा थ्री बाई थ्री का था मैट्रिक्स, इसलिए ज़रा थोड़ा टाइम लगा है इसके ऊपर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना है। अगर टू बाई टू का होता तो वो तो सिंपल था ना, पहले तीन पार्ट्स जो वो बेसिकली टू बाई टू के ही है ना, वो तो ईजी है ना, इसलिए ये आपने ध्यान से करना है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इसका नाम आपने वन कह देना है, ठीक है ना, इसका नाम वन कह के छोड़ देना है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है नी। अच्छा जी, राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है टू ए, टू ए प्लस बी, ठीक है ना, टू ए प्लस बी, ठीक है।
समझ लग रही बात की, तो वो हम पिक कर लेंगे इसमें। अच्छा जी, अब देखो ज़रा मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कर लिया रिमूव, ठीक है ना, बाकी बाद में देख लेंगे। इसका लो आप राइट हैंड साइड 2a प्लस b। अब देखो ज़रा करना क्या है, 2a प्लस b के लिए आपने देखना है कि 2 इंटू a की वैल्यू ए की वैल्यू देख लेते हैं ज़रा, ए की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू है जी 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। आगे बच्चे बी की वैल्यू देख लेते हैं, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है ना, समझ आ गई बात की। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 2 * 2 = 2 2 * 4 * 3 * 6 2 * 3 * 2 - -2 2 0 0 प्लस दरमियान में वैसे ही आ गया 1 - 1, ये एज इट इज आती जाएगी साथ साथ। एंड देन क्या करना आपने, आपने ये करना है कि इनको प्लस कर देना है, ठीक है ना, तो क्या कर देना है प्लस, देखो 2 + 1 4 - 1 ± -6 + 1, बाद में 4 + 2, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ±-6 - 2, और बाद में 2 + 2, और बाद में आएगा 2 + 3, ठीक है ना, और माइनस का 2 + 1, और ये 0 + 3, ओके हो गया ना, इस तरह आपने ये करना है, क्लियर है, आई होप समय लग रही होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इन सब का फाइनल आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, समझ लग रही बात की, तो वो ज़रा देख लेते हैं फाइनल आंसर कैसे बनेगा इसका। हाँ देखो ज़रा, सबसे पहले देखो 2 + 1 3 2 + 1 3 3 आ गया, 4 - 1 3 और 6 + 1 7, ये 3 और ये 7, 6 4 4 6 4 4 6 4 4 5 - 1, देखो ना -2 + 1 -1 5 - 1 3 5 - 1 और ये 3, इसका नाम बच्चे आपने 2 कह देना है, क्या नाम देना है इसका 2, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, क्या देखो 1 का आंसर चेक करो और 2 का आंसर चेक करो वो वाली का, तो देखो सेम है 3 6 5 3 6 5 3 4 - 1 3 4 - 1 4 7 3 4 7 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बच्चे राइट हैंड साइड, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे 1 और 2 की रूह से, तो आपने ये लिख देना है, ओके समझ लगी ना बात की। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 10, ये आपने सॉल्व करना है, इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई माइनस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सीधे सीधे प्लस होने हैं, और ध्यान से कीजिएगा, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया किसी नंबर को ज़रब करके कैसे प्लस करते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान से आपने करने हैं। अब अगर हम बात करें तो आपके पास है पार्ट नंबर 9, जो कि माइनस का साथ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं करवाता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैंने ले ली है, तो ए की वैल्यू लिखो ज़रा, ए की वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 - 1 और 0, ठीक है ना, तो प्लस और ये ब्रैकेट, ये बच्चे बी की वैल्यू 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 और ये 3, दरमियान में माइनस सी की वैल्यू -1 0 0 0 - 2 3 और देन 1 1 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है, ब्रैकेट वाले को लेके चलना है,
प्लस करना है और बाकी एज इट इज़ आपने साथ लिखना है। ठीक है, टू थ्री वन वन माइनस वन एंड ज़ीरो एंड देन आगे क्या करना आपने, वन प्लस देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वन ऐसे ही आएगा और ये देखें सॉरी ये माइनस वन वैसे ही आएगा और देन माइनस ज़ीरो। ठीक है ना, फिर माइनस वन माइनस ज़ीरो, फिर देन क्या करना है टू माइनस ज़ीरो, टू माइनस ज़ीरो, फिर बाद में क्या आएगा माइनस टू, वैसे ही आ गया और ये माइनस बच्चे प्लस टू। ठीक है, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये टू फिर एज इट इज़ ऐसे ही और ये माइनस का देखो, ये देखो ये माइनस और ये प्लस का थ्री। ओके, और देन थ्री थ्री माइनस वन, आगे वन माइनस वन, वन माइनस वन, आगे थ्री माइनस टू। सुन लगी ना बात की, तो ये जो है ना इसका आपका आपके पास क्या आ गया, इसका सब्ट्रैक्शन इसकी आ गई, माइनस आ गई। ठीक है ना, तो देन आपने क्या करना है देखो ज़रा, देन आपने ये करना है फर्स्ट एज इट इज़ वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, और दरमियान में प्लस का साइन है। तो ज़रा ध्यान से वन प्लस वन ज़ीरो, सॉरी वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, और ये देखो माइनस वन माइनस ज़ीरो, माइनस वन वन माइनस ज़ीरो वन, टू माइनस ज़ीरो टू। ठीक है ना, क्या आएगा टू, फिर ये ज़ीरो आएगा, दोनों कैंसिल हो गए थे ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, ज़ीरो आ गया। टू माइनस थ्री, माइनस का वन, बड़े के साथ माइनस है ना, थ्री माइनस वन टू, और ये भी कट गए तो ये भी ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो और ये वन आ गया। ठीक है, दरमियान में किस चीज़ का साइन है वो ज़रा देख लेना है, वो बच्चे आपके पास दरमियान में प्लस का साइन है, वन प्लस टू, टू प्लस माइनस माइनस वन। ठीक है ना, तो थ्री प्लस वन और टू प्लस टू, थ्री प्लस ज़ीरो, वन माइनस वन, प्लस माइनस माइनस वन। ठीक है ना, आगे वन प्लस टू, फिर बाद में माइनस वन और ये ज़ीरो प्लस। ठीक है ना, और ज़ीरो प्लस ये वन। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना इसका, वो बनेगा थ्री वन, टू माइनस वन वन, फोर फिर फोर फिर थ्री फिर ये दोनों कैंसिल, ज़ीरो फिर ये थ्री फिर ये माइनस वन और ये वन। इसका नाम आपने क्या देना है वन, समझ लगी ना बात की, और इधर ही छोड़ देना आपने वन कह के। ठीक है ना, और देन हम आगे चलते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं जी, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ सारा इधर से, क्योंकि हमें रिज़ल्ट चाहिए उसका लेफ्ट हैंड साइड का। आप लेफ़्ट भी पहले ले सकते हो, राइट भी पहले ले सकते हो, कोई लकीर के फ़कीर नहीं बनना, ये याद रखना बस। ठीक है ना, तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना, अपनी गाड़ी चलानी है, क्योंकि धुंधी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, कि आपको समय ना लगे जाना किधर को है, तो लिहाजा जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना, जो भी करना अपना कर रहे हैं अपने माइंड के साथ। आप ये इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कोई भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, जगह ज़्यादा बच जाएगी। ठीक है ना, अच्छा जी, हम ज़रा बात करते हैं अब राइट हैंड साइड के ऊपर। यह है राइट हैंड साइड जो कि आपके पास है, इसकी a माइनस बी एंड प्लस सॉरी a माइनस सी प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉरी हो गया ना। अब देखो करना क्या है, इसमें आपने ब्रैकेट पहले यूज़ करनी है, a की वैल्यू अंदर आ जाएगी ब्रैकेट के, ब्रैकेट थोड़ी बड़ी करें भाई, ये क्या बन गया ऐसे a की वैल्यू वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। ठीक है ना, दरमियान में माइनस है c की वैल्यू माइनस वन डबल ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू थ्री, वन वन टू, ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्लस b, b की वैल्यू
वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री, ये वैसे आपने लिख देना है, ठीक है ना। ब्रैकेट वाले को पहले पकड़ना है, इसकी ऐसी की ऐसी करनी है, ठीक है ना। वन वैसे ही माइनस और ये माइनस प्लस, ये लो जी, टू माइनस ज़ीरो, थ्री माइनस ज़ीरो, टू माइनस ज़ीरो, थ्री प्लस टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस टू, और वन माइनस थ्री, वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू, और ये लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये एज इट इज़ आपने ऐसे लिख देना है। ओके, देन आपने क्या करना है, वन प्लस वन टू, फिर ये टू, टू माइनस ज़ीरो टू जाएगा, ये थ्री, ये फिर टू, ये फाइव, ये माइनस का टू, ये दोनों कैंसल, ज़ीरो, ये माइनस वन और ये माइनस वन, माइनस का टू और ये माइनस का फिर टू, दरमियान में सिंपल किस चीज़ का प्लस का भाई, तो वन माइनस वन वन, टू माइनस टू, ये टू, ये थ्री और ये वन और ये फिर थ्री। ओके, समझ आ रही बात की। तो देन आपने क्या करना है, आप दरमियान में प्लस है तो टू प्लस वन, टू प्लस वन, फिर उसके बाद में क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, टू माइनस वन, ये गली में आया हुआ है कोई बेचारा, कोई चीज़ बेचने वाला, तो हम इसे कुछ कह तो नहीं सकते, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके जाने का, ठीक है ना। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जा रहा जा रहा है, चला गया, ठीक है, एक और आ गया ये भी चला जाए यार, चला जाए, तेरी मेहरबानी, रोज़ी रोटी के लिए आए हुए हैं हम, इसे कुछ इनको कुछ कह तो सकते नहीं हैं, तो हम कौन होते हैं इनको कुछ कहने वाले, अल्लाह की ज़मीन पे ये रोज़ी रोटी तलाश करते हैं, हमारी गली से गुजर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, गुजर जाएंगे बेचारे, तो खड़े तो थोड़े रहेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा टू प्लस वन, प्लस माइनस माइनस, टू माइनस वन, ठीक है। तो देन देखो थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, समझ लग रही बात की। और देन फिर क्या आएगा, टू प्लस टू, और ये आएगा फाइव माइनस टू, बच्चे देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, फिर आएगा माइनस टू प्लस टू, फिर बाद में आएगा ज़ीरो प्लस थ्री, फिर बाद में आएगा माइनस टू प्लस वन, फिर बाद में आएगा आपके पास माइनस का टू प्लस का थ्री। इसका फाइनल आंसर इधर ही बना लेते हैं, ये आएगा थ्री, ये आएगा वन, ये आएगा फोर, ये आएगा फिर से फोर, ये आएगा, देखो समझ लग रही है ना बात की, फाइव माइनस टू, ये आएगा थ्री, और ये आएगा ज़ीरो, और ये क्या आएगा, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, ये कितना आएगा, माइनस का टू प्लस का वन, माइनस का वन, प्लस का थ्री माइनस का टू, मतलब के वन, तो इसका नाम आपने क्या देना है, टू। तो आपने रिज़ल्ट क्या लिखना है, अब देखो ये रिज़ल्ट देखो और ये रिज़ल्ट देखो, दोनों सेम है, वन और टू, तो आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखोगे, एक और दो की रू से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यू अंडरस्टैंड ना जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है थ्री ए माइनस टू बी, तो ये टू बाई टू के लिए, हम तो थ्री बाई थ्री के लिए कर चुके हैं इतने इतने बड़े, तो ये आपने सेल्फ करना है, करना कैसे है, थ्री को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है ए के हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक रुकन के साथ, फिर टू को मल्टीप्लाई करना है आपने बी के हर एक रुकन के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ, फिर जो देन आपके पास जो दो मैट्रिक्स बनेंगे ना, उन दोनों को माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो जैसे ये करूँगा मैं, ठीक है ना, देखो तो सबसे पहले मैं करना है ए का ट्रांसपोज निकालूंगा और बी का ट्रांसपोज निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए का ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, ए का ट्रांसपोज देखते हैं। ट्रांसपोज होता है जी आपके पास रो को कॉलम बनाना है, पहली रो को पहला कॉलम, मतलब पहली कतार को, ठीक है ना, तो वो आएगा माइनस का वन माइनस टू, और ये थ्री और ये फोर। इसी तरह ही आपने बी के तो लिख लेना, बी का ट्रांसपोज, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ज़ीरो सेवन
माइनस का 3 और 8, पहली कतार को पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम, ठीक है ना, समझ आएगी ना बात की। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाओ आप ज़रा, तो यहाँ पे जब लगाओ के देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा 2a का ट्रांसपोज, दोबारा मैं फिर लिख रहा हूँ, माइनस 3b का ट्रांसपोज इक्वल टू 2a के ट्रांसपोज की वैल्यू 1, 3 माइनस 2 और ये बचे 4, दरमियान में माइनस है तो दरमियान में माइनस लगा देनी है। ये b की वैल्यू, b ट्रांसपोज की 0, ये देखो 0 माइनस 3, 0 माइनस का 3 और ये 7 और ये 8। तो ये ऐसे करना है, ये देखो जैसे मैं ये करने लगा हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट के साथ, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट के साथ, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। ये देखो माइनस को आपने ऐसे ही रहने देना जैसे मैंने ये छोड़ दिया है, 3 0 0, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, ये लो। अब क्या करो, पहले में से पहला एलिमेंट माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गई, और माइनस का 4 माइनस का 21 और ये 8 माइनस का 24, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना बच्चे वो बनेगा 2 और ये बनेगा 15, ये बनेगा देखो माइनस का 21 माइनस का 4 माइनस का 25, ये बनेगा आपके पास 8 माइनस, माइनस आनी है 7 और 24 में से 8 निकालो 16, तो ये इसका ना आपका फाइनल आंसर बनेगा, समझ लगी ना बात की। तो ये आपने ज़रा ध्यान से देख लेना इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों VIP हैं, दोनों ही VIP हैं, जो पेपर में आने वाले होंगे ना वो मैं आपको पहले बताया करूँगा, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अच्छा जी अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP है, और इसमें A और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरह का ये वाला, ठीक है ना, तो वो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक रिव्यू एक्सरसाइज में है उसमें भी A और B की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलें ये देखते हैं, पहले सबसे पहले ये आपने एज इट इज लिख देना है, 7, 18, 10 और 1 के लिए, ठीक है, इक्वल 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 2 4 8, 6 और ये 2a, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3, 3b, 3 8 24 और ये माइनस का 12, दरमियान में क्या है प्लस, तो इनको प्लस कर देना और ये एज इट इज आपने लिखते जाना है साथ साथ। हाँ देखें ज़रा, अब क्या करेंगे, पहले में पहला आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना, 4 प्लस 3, 8 प्लस 3b और माइनस का 6 प्लस का 24 एंड देन 2a प्लस माइनस माइनस 12, ओके समझ लगी ना बात की। तो ये काम करना है, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका कार क्या है कि ये जो है ना फिलहाल ये वैसे का वैसे लिखते जाओ, ठीक है ना, इज इक्वल टू देखो ये कितना आएगा आपके पास, 3 और 4 7, और ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये वैसे लिख लो, 24 में से आप 6 माइनस करोगे 18 आएगा देख लो, और ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये वैसे आएगा। अब देखने वाली बात है, जो हैं सेम 7 है देख लो इधर, तो उसका दूसरी साइड पे भी 7 ही आया है, तो ये तो सेम है, जो सेम है ना ये 18 है सॉरी, तो ये सेम इनको आपने छोड़ देना है। अब आपने करना क्या है, मुआदना करना है, आपने लिखना है यहाँ पे कालबों का मुआदना करने से या ऐसे लिख लें दोनों तरफ मुआदना करने से, बस इतना ही लिख लें, बाय कंपेयरिंग, तो 7 और 7 को छोड़ देना, 18 और 18 को छोड़ देना है, तो इसका मतलब है 10 जो होगा ना वो बराबर होगा 8 प्लस 3b के, 8 इधर आके क्या होगा माइनस और ये 3b और 10 में से 8 निकालें 2 और ये आ गया 3b और ये 2/3 = b आ गया, ये बचे b का आंसर आ गया, ठीक है
समझ आगे बात की। इसी तरह ही आपने ये जो है जो मतलब आपने कंपेयरिंग और इक्वल वो लेने हैं बच्चे, याद रखिएगा जो बराबर नहीं है, जो इक्वल नहीं है। तो देन देखो ज़रा, वन इज इक्वल टू टू ए माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व इधर आ गया क्या हो गया प्लस ट्वेल्व, तो ये कितना आ गया टू ए, ये कितना आ गया तेरह, और ये कितना आ गया टू ए, और ये तेरह बटा टू, ये कितना आ गया ए। तेरह को दो पे डिवाइड करो कितना आएगा, तेरह को दो पे डिवाइड करोगे आएगा 6.5, ठीक है ना 6.5। तो ये इसके दो आंसर आ गए, समझ लगी ना बात की। तो इसे आपने ध्यान से करना, फुल VIP है ये वाला क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने प्रूव करने हैं कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पास, वो आपने प्रूव करने हैं। तो पहला पार्ट जो है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये मरूजी भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ये आपने खुद करना है कि दो मैट्रिक्स को आपने प्लस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर बाद में आपने क्या करना है एक का ट्रांसपोज लेना, दूसरे का ट्रांसपोज लेना, फिर उनको ऐड करना है, तो रिजल्ट जो है ना वो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं माइनस के लिए करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लो, ए माइनस बी का ट्रांसपोज होल का, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ ए माइनस बी पहले निकाल लेता हूँ, इसी तरह ही आपने ए प्लस बी पहले निकाल लेना है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 1, 2, 0 और ये 1, ठीक है, दरमियान में माइनस आपने प्लस के साथ करना है, ठीक है ना। तो 1, 1 उसके बाद है 2, 0, ओके हो गया। तो पहले में से पहला माइनस आपने क्या करना है, पहले में पहला ऐड करना है, ठीक है। तो ये दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा माइनस, और 1 माइनस 0, ये जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 0, 1 माइनस 2 और ये 1। एंड देन क्या करोगे आप, इसका लोगे अकॉर्डिंग टू प्रूफ, इसका ट्रांसपोज लोगे। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला आपने कॉलम बनाना है, ये ले, इसका नाम आपने 1 कह के इधर स्टॉप कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए की वैल्यू जो है ना आपके पास वो ये वाली है, तो 1, 2 पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, 0, 1, और बाद में आपने इसके बाद ट्रांसपोज बी का लेना है। तो देखो पहली रो को पहला कॉलम, ठीक है ना, पहली कतार को पहला कॉलम, देन आपने क्या करना है दोनों को माइनस करना है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे लिख लो ना ज़रा, हैं यहाँ पे लिख लो ज़रा कि आप क्या लेने जा रहे हो, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दोनों निकाल लिए। तो दोनों को आपने क्या करना है अब माइनस, तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू, दरमियान में माइनस का साइन है, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा। तो ये आ गया 0, ये माइनस 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 1, तो इसका नाम आ गया 2। तो यहाँ पे लिखना आपने फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो की रूह से, उर्दू मीडियम वाले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जी क्या ख्याल है बच्चे, समय लगी ना बात की। तो इस तरह आपने इसे क्लियर कर लेना। जी बच्चे, उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर जो 5 है वो आपने खुद करना है। उसमें एक ही जगह पे बी आ गया और जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ए यूज़ हो रहा है मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब मेरे पास क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि आया कि सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। वो हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से की हुई है कि आपके पास एक मैट्रिक्स होता है कोई भी, उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, क्या लेते हो उसका ट्रांसपोज। ये मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वो होता है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ लगी ना बात की, कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो मैं करता हूँ सबसे पहले, लेट एक्स बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फ़र्ज़ किया के, ठीक है ना, फ़र्ज़ किया है कि मैंने ऐसे कर लिया है। अब देखो एक्स बराबर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 0 और ये 1, दरमियान में प्लस, ठीक है ना, ये वाला, और फिर ए की वैल्यू लेकिन उसका आगे ट्रांसपोज है, क्या उसका ट्रांसपोज है, टी लिख दो, ठीक है ना, ये मैंने ट्री लिख दिया, ए की वैल्यू ऊपर ट्री लिख दिया है।
अब ये एज इट इज आता जाएगा, आगे वाली का आप ले लो ज़रा ट्रांसपोज। लो हमारा ट्रांसपोज क्या होता है, 1 2 0 1, ठीक है ना। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, पहले में पहला ऐड करना है, क्या आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1। तो बच्चे ध्यान से देखें क्या आएगा आंसर, 2 2 2 2, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू आपने किसकी निकाल ली है, एक्स की, किसकी निकाली, एक्स की। अब इसका लो ट्रांसपोज, क्या इसका लो ट्रांसपोज, तो आपने लेना है यहाँ पे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है, पहली कतार को पहला कॉलम बनाना है, ये पहली कतार को पहला कॉलम बना दो, ये लो दूसरी को दूसरा बना दो, ये लो, ये तो कोई असर नहीं पड़ा। तो देन क्या आंसर आ गया आपके पास, आ गया ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, सॉरी एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स। तो अब हम कहेंगे पस पस या हैंस, ठीक है ना, हैंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। उर्दू में क्या लिखोगे आप, उर्दू में लिखोगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो ये आपने साबित करना था, ओके। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो पार्ट नंबर जो आपने जो करना है ना खुद सेल्फ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, वो बच्चे आपने 4 करना है। कौन सा करना है, 4, और मैं जो करवाने जा रहा हूँ ना, मैं करवाने जा रहा हूँ आपको 6, ठीक है ना। तो 6 मैं करवाऊँगा, 4 आपने खुद करना है। चलें सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन क्या है, कि अगर आप एक मैट्रिक्स की आप ट्रांसपोज लेते हो, क्या लेते हो ट्रांसपोज उसका लेते हो, तो देन जो आपके पास आंसर आता है ना वो माइनस एक्स आता है। मतलब कि अगर आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया ना, उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कलब आ जाता है, तो उसे आप कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो वही काम फिर करना आपने, फ़र्ज कर लें, फ़र्ज किया कि लेट एक्स बराबर बी माइनस बी का ट्रांसपोज, वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा आपके पास, बी की वैल्यू पुट करोगे 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 का ट्रांसपोज, 1 1 2 0 ट्रांसपोज लो, ख़त्म करो ज़रा टी को। तो 1 1 पहली रो को पहला कॉलम बनाना है ना, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, करो ज़रा ये। अब हम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, पहले में से पहला माइनस, पहले में से पहला माइनस करोगे क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। तो देन आपके पास आंसर बनेगा इसका 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये 0, ओके। ये प्लस का 1 बनेगा, 2 माइनस 1 है ना, प्लस का 1 बनेगा, ओके, समझ लगी ना बात की। तो अब क्या करो भला, अब देखो ज़रा ये, अब आपने करना क्या है कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, क्या लेना है इसका ट्रांसपोज, लो ज़रा ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ठीक है ना। तो ये उसका ट्रांसपोज आ गया, अब क्या करना है, अब देखो ज़रा ये, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, जहाँ पे जहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं ना, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे होती ख़त्म कर देते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगी और ये 0 वैसे आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये ऊपर अगर देखें तो ये एक्स की वैल्यू है, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो ये आ गया एक्स, तो इट मीन के क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो आप लिखोगे 100, हाँ जी क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, प्रूफ था बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, उर्दू मीडियम वाले लिखोगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, आप भी यही लिखोगे, समझ आएगी ना बात की। तो ये आपने ध्यान से कर लेनी है, ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इससे जो मरूजी आपको आ सकती है ना ऑब्जेक्टिव, वो आपको आ सकती है क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उसका जो पार्ट 1 है
और पार्ट नंबर टू ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे वो पूछ सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर पाँच है ना उसमें वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो पूछ सकता है ना वो ये पूछ सकता है कि उसका पार्ट वन और टू और ये थ्री जो है ना पार्ट ये पूछ सकता है, क्योंकि ए प्लस बी या बी प्लस ए तो वो आपस में बराबर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा आगे जाके पढ़ेंगे 1.4 में कि कभी भी ए मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए नहीं होता, ठीक है ना। ये भी मरूद में आता है, ये भी बात याद रखिएगा। मैं कुछ लिख देता हूँ मरूदियाँ, ठीक है ना, जो हम पढ़ेंगे और कुछ पढ़ ली हमने। देखो नंबर वन, नंबर टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, एक बात ये हो गई, ठीक है ना। तीसरी पार्ट ए माइनस का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, चौथा ए बी का अगर ट्रांसपोज है दोनों को मल्टीप्लाई करके तो वो आगे पीछे आ जाता है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पाँचवा ए बी का इनवर्स, तो बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये मरूदियाँ कुछ आपने याद करनी है, ये आगे जाके हम डिस्कस भी इनके प्रूफ भी करेंगे। ध्यान से करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।